यार गुब्बारते में हमने भी कर दिया है आज फाइनल, और एक बकरी भी लेके जा रहा हूँ मैं यार। अच्छे रेट में ना मुझे एक बकरी मिल गया यहाँ पर, और मैंने उसको खरीद लिया। ये है यार दोस्तों वो बकरी। मेरी बुआ कह रही है 4.5, लेकिन दोस्तों झूठ नहीं बोलूँगा, मैंने ये 2800 रुपये में लिया है। अब इसको काटूँगा 2-4 दिन के बाद। बताओ यार 2800 में ठीक लिया ना मैंने ये। ये है यार दोस्तों गुब्बारतुई के गर्जेल। तुम्हें अगर पापा नहीं आते ना तो बुआ ही डालती हैं बीज। आई एक दूसरे का लड़ा झगड़ा जानी हुआ मेर तुल वड़ सर है तुल मेर के ओनी यो भीड़ काटे घा आप कहाँ से नहीं आ रू वड़ सरोने वाल आप कहेंगी वो भी कहूँ भीड़ काटने वाल कोई ना आती यहाँ। पहले कदू परेशान कदू आदमी लड़ने वो यो जमीनों बार में जमीनों पर सब बंजर चोड़ है। आज कोई नहीं कौन तुल मेर के ओनी भीड़ काटे तुल मेर वड़ सर है आज उन्होंने अत्ते पत्ते ना आती यार जाऊँगी निहाल। पहली बार यार बहाने में हमारे यहाँ नहर टूट गया। आज मम्मी ने खाना बनाया था यार, मम्मी ने प्रेशर कुकर कोई नहीं खोल पा रही है, अभी आधे घंटे से ये लगी है। अंजलि भी नहीं खोल पा रही है, राहुल भी लगा था राहुल भी नहीं खोल पा रहा, देखते हैं मम्मी खोल पाती है कि नहीं। मम्मी ने खाना डाल ही दिया है। सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्ते, मेरा नाम है चंदन सिंह असवाल, स्वागत है आपका देवभूमि उत्तराखंड की इन खूबसूरत पहाड़ों से। तो दोस्तों यार सुबह के 6:30 हुआ है और मैं लेके जाने लग गया हूँ अपने बैलों को, इधर गांव की शहरी में लेके आ गया हूँ और जा रहा हूँ गुब्बारतुई। तो दोस्तों यार 2 दिन के अंदर पूरी गांव की शहरी में सभी लोगों ने गेहूँ और मसूर बो दिया है। आज है हमारा यार गुब्बारतुई में बाना, तो एक हम ही हैं उधर, बाकी लोगों ने तो अपना भाई लिया है, एक हमारा ही रह गया यार। तो हरी चाचा और मैं जा रहे हैं, और मेरी बुआ आ रही है उस वाले रास्ते से, बुआ लेके जा रही है हल और मैं लेके जा रहा हूँ ये जुआ। गांव की शहरी में तो हमारा हो गया है फाइनल, 3 दिन का और रह गया यार इधर घड़गाड़ में, उसके बाद गेहूँ बोने की हो जाएगी छुट्टी। आज गुब्बारती में बोई लेंगे, उसके बाद शाइबड़ रह गया और इधर 1 दिन का और है इधर आपरपन हौन हौन हौन, उसके बाद गेहूं बोने की भी हो जाएगी छुट्टी। फिर 1-2 खेत हैं घर के पास जिसमें हमने पिनाऊ गडरी लगा रखे हैं, वो तो अभी उसमें लगेंगे 10-15 दिन। पहुंच चुका हूं खड़गाड़ प्रकाश दा की दुकान के पास। तो ये है यार दोस्तों जो घटघाड़ गांव है, प्रकाश दा की दुकान। हर गांव में एक एक दुकान है, हमारे गांव में है 3 दुकानें। पहुंच गए यार दोस्तों गुब्बारतुई, और मेरी बुआ को भी ना होने लग गई है ठंड। ये देखो बुआ, बुआ को ठंड हो रही है, बुआ बैठी है अभी धूप का कर रही है इंतज़ार, धूप तो आई नहीं है। उस साइड में भाभी बैठी है, भाभी को भी ठंड हो रही है, और हरी चाचा ने जोत रखे हैं बैल। दोस्तों यार ये देखो आपको दिखाई दे रहे होंगे, ये जितने भी खेत या आपको झाड़ी दिखाई दे रही है ये सब खेत हैं, सब बंजर हो गए यार। एक ही है हमारा बीच में, एक वो वाला खेत जिसमें हरी चाचा ने बैल जोत रखे हैं, एक ये वाला खेत, ये 2 खेत हमारे हैं यार जिसमें हम इस समय मसूर बो रहे हैं। बाकी मैं आपको दिखाता हूँ उस कोने से लेके, ये देखो ये बीच में रास्ता है, और ये रास्ते से नीचे को सारे खेत बंजर हो गए। देखो जितने भी आपको दिखाई दे रहे हैं ना ये खेत, सब बंजर हो गए यार। इस बार हम भी इसमें मसूर बो रहे हैं, और बुआ बोले इस बार देखते हैं, अगर होता है तो ठीक है अगले साल बोएंगे, नहीं तो यार दोस्तों ये हमारा भी बंजर हो जाएगा, फिर ऊपर ऊपर ही कमाएंगे रास्ते से ऊपर। रास्ते से ऊपर के खेत जितने भी हैं अभी लोगों ने उनमें मसूर बो रखा है, किसी ने मसूर बो रखा है, किसी ने जू बो रखा है, लेकिन जो हमारे गांव के लोगों के खेत हैं ना रास्ते से नीचे को, ये सभी खेत हो गए यार बंजर, सब हमारे गांव वालों के खेत है। इस बार लास्ट है हमारा इधर हम मसूर बोना, उसके बाद हम भी छोड़ देंगे अगर नहीं हुआ तो, है ना बुआ। दोस्तों यार मेरे पापा तो मना कर रहे थे, लेकिन ये बुआ की जीती अपने खेतों को बोलती है ना, छोड़ने का मन नहीं करता है, क्या करें यार बड़ी मतलब हमें बहुत दिक्कत हो रही, बहुत दुख हो रहा है यार, अपने खेत छोड़ना नहीं चाहते हैं लेकिन मजबूरी है ये, हम जो अपने खेतों को छोड़ने जा रहे हैं ये लास्ट बार है यार इन खेतों में, हम लास्ट बार एक तरीके से आए हैं ये मसूर बोने के लिए, उसके बाद अगले साल हम इन खेतों में नहीं आएंगे क्योंकि चारों तरफ से बंजर हो गया सबका, और बीच में हमारा क्या रखेगा। बुआ तुझे कौन है हम डी छोड़ देने का बिल पैल देखने है फिर छोड़िए भाई।
दोस्तों ये झाड़ी काटने में एक दिन लगा था हमें, भाभी को, अंजू की मम्मी को, एक दिन पूरा दिन लगा था इसमें, ये इस खेतों को साफ करने में। पहाड़ों में भी यार नई नई चीज़ देखने को मिलती है। ये है खेतों के अंगूर, सेम अंगूर है यार, पता नहीं क्या बोलते हैं इसका नाम। ये देखो खेतों में धूप का इंतजार कर ही रहे थे, धूप भी आई गई है। आ गया हूँ नरणदा के छत में धूप सेकने के लिए। अरे कहाँ चंद तुम्हारा भूब, हाँ कहाँ जा रही? ये है यार दोस्तों गुबारतोई में नरणदा का घर, और नीचे वाला है पंडा का घर, लेकिन नरणदा कहीं गए हैं काम में, नरणदा तो है ही नहीं। और नरणदा के नाती पोती सेकने लग गए हैं धूप। गुबारतोई में यार हमारे पूरे 10 खेत हैं, और 4 खेतों में हमने मसूर बो दिया है। अब जिस खेत में हमने बैल जोत रखे हैं, इस खेत में बो रहे हैं जूं। जूं का बीज बुआ डालने लग गई है यार। ये बुआ इसलिए आई है बीज डालने के लिए, मेरे को डालने नहीं देती है बीज, तो बुआ बुआ का काम ही है हमारा खेतों में। अगर पापा नहीं आते ना तो बुआ ही डालती हैं बीज। मेरे को तो बुआ ने कल दिया था बीज डालने के लिए, लेकिन 2 खेतों के लिए बीज दिया था, मैंने एक ही खेत में कर दिया उसको बराबर। मेरे को पता ही नहीं था, मैंने कहा सो दूसरे खेत में अलग कट्टा होगा, बुआ बोली थी यही था, है ना बुआ जी? फिर कच्ची कच्ची माँ को दिल भी बीजे वो दोस्तों यार, फिर दीपा चाची से मांग के लेके आई थी बीज। 2 खेतों के लिए था, मैंने एक ही खेत में डाल दिया। एक टाइम थी यार दुगड़िया के कोने गुबारतो में कदू भीड़ हरू थी, बिल्कुल सब गाड़ के होने, सब पूरा गुआ ला रूनी भाई यार, बहुत के कोने फल लागनी भाई। जब गुबारतो में लाइन लाग रूनी भाई, बल्द बकारनो मैसनो बहुत भीड़ हो रही भाई यार। जब हम गुबारतो और तुणखेत में जू मसूर बेचे और जब ले जाए यहाँ बटी, अब यार यहाँ तो बिल्कुल ऐसे जू आए एक दूसरे जगह लड़ा झगड़ा जानी भाई, मेर तुल वड़ सरे है तुल मेर के कोने भीड़ काटे घा, आप कहाँ से नहीं आ रू वड़ सरोने वाल, आप कहेंगी वो भी कहूँ भीड़ काटने वाल, कोई ना आती यहाँ। पहले कदू परेशान कदू आदमी लड़ने वही हो जमीनों बारे में, जमीनों पर सब बंजर छोड़े है। आज कोई नहीं कौन है तुल मेर के कोनी भीड़ काटे, तुल मेर वड़ सर है, आज उन्होंने अत पत्ते ना आती यार, जाऊँगी न्याल। कुछ गिनी चुनी लोग ना रोको यार, ये गुबार तो आपसे करीब ज़्यादा लोगों ने छप छोड़े यार, जो हम यो 4-5 के कोनी पहचान है, हम लोगों ने कमर हो यार, हम बुबराठन आए कमेर हो करीब एक यो तालिबान छोड़ो यार, ये हमारा अल भी लास्ट है जी, करीब तालिबान सब उन छोड़े, एक हमारे छू नहीं लड़िया भाई काय पहले भाई, तुमने मैं गड़ो भी के उन्हें घा काटे है और ये गड़ो ये सर है बहुत हमने भी यार लड़ा है अचान, आप कहो पता नहीं तुम पूरा गड़ो लूट दियो, ये कोई नहीं कहो तुम ची के को मेरा गड़ो तुम्हें लूटे कभी, यश दिन है कि यार लगाओ सही में ये टाइम में ये गुबार दो क्या कहनी नरेंद्र आज चन्नी छू यार, यहाँ गुबारते ही गार्डन में सब नरेंद्र हवाले होनी छन, अगर नरेंद्र क्या कहनी इनको सब उनको कब्जे कर ऐसा जो ना नरेंद्र जी कोई यश कोनी ना आती यार, तुल तो मैं गाड़ कब्जे किला कर रहा हूँ कभी। पहली बार यार बहानी में हमारे यहाँ नहर टूट गया, एक दूसरा लेके आए हैं, अब इसको बदलता हूँ मैं, दूसरा लगाता हूँ। ये देखो यार 2 खेत और रह गए थे लास्ट टाइम में, साला टूटा तो नहीं है, इसकी छोड़ी टूट गई और ये हो गया, इसमें मिट्टी भर गई है, मिट्टी खाली कर दी, अभी इसको ऐसे ही ठोक के काम चलाता हूँ, चल जाए तो ठीक है, नहीं तो फिर लेके तो आया हूँ मैं, फिर बदल दूँगा। तो दोस्तों यार गुबारतोई में हमने भी कर दिया है आज फाइनल, और एक बकरी भी लेके जा रहा हूँ मैं यार, अच्छे रेट में ना मुझे एक बकरी मिल गया यहाँ पर, और मैंने उसको ख़रीद लिया। ये है यार दोस्तों वो बकरी मेरी बुआ कह रही है 4.5, लेकिन दोस्तों झूठ नहीं बोलूँगा, मैंने ये 2800 रुपये में लिया है, अब इसको काटूँगा 2-4 दिन के बाद। बताओ यार 2800 में ठीक लिया ना मैंने। ये है यार दोस्तों गुबारतोई के गर्जेल, थकान होगी यार आज हमने गुबारतोई में भी कर दिया है फाइनल। बुआ बोल रही मेरी तेरे को ठग दिया, 2800 में क्या ठगा यार, इसमें तो मुझे फ़ायदा ही फायदा दिखाई दे रहा है। अब बुआ बोली तू यहाँ से जाके
खाना आना खा के इसको काट, अभी नहीं काटूंगा यार इसको, मैं दिवाली में काटूंगा। अरे यार मैं बाबू ने बाबू से बोला, बाबू तुम यहाँ को पाई लियो मेरे को नान पाट दी दियो दीदी, तो अलग खुश नहीं होला पीछे कहीं नन्नान पाठ मांग ना मैं तो काटने नहीं हुई भाई, मैं आई 10-15 दिन पावने को ठीक है लुलाट क्यों करूँ कहूँ लगे जी बाप ने बखाना देखा पर मुली जा भाग तल सही का ना तुम चचा पाँच सही का ना यार तुम 7-8 हिस्से बोलो नु और नापा नापा और बोर काट लिनु तसा बोल हो तसा कारण फिजे अरे मैं निकल जाला 8 किलो खाई मैं 8 किलो मीट नहीं हो 8 किलो कितनी हो यार पोरू हर क्या अमन पोरू गर्मी में हर क्या कतना काटो वो यह बे पताओ जी हूँ 12-13 किलो ना हो हाँ वही कितना और क्या 4 किलो यार पकड़ तो दोस्तों यार पहुंच गया हूँ घर और बकरी भी मेरी मम्मी ने देख लिया है। अब मम्मी से पूछता हूँ इसको मैं कितने में लेके आया, वही तो बकोल ले रही मैं दोस्तों मैंने बोला था ना मम्मी ऐसे ही बोलेगी है। अरे काठाना ऊपर किलर ठीक छू ना छुपो कदगो हल है आइडिया लगा था कदगो हल तो यो मैं ना बाबू ने देखा साटना लीजिए दे रही बाबू नान पाटा लीजिए ना खाने तक बाबू को दी दी ना ना डिब टिब कर तो अरे मैं झेले ले रही बकर ठीक छू ना इतना हटी किला 2500 रुपये जो तो चुन लगा अच्छा किला नहीं यार ठीक है तो चुप यार तो सही चुप है ये तो तभी तेल और की मिलो यार बकरी देख के तो यार मम्मी बोल रही है तेरे को ठगी दिया। मैंने मम्मी को 2800 रुपये नहीं बोला, मम्मी को बोला मैंने 2500 में लाया हूँ, फिर 2500 में भी बोल रही है मम्मी तेरे को ठग दिया। बताओ यार अब 2500 में क्या मिलेगा, लेकिन मैं 2500 में नहीं इसको 2800 रुपये में लेके आया हूँ। अभी पैसे भी नहीं दिए फकीरदा को पैसे, अभी थोड़ी देर में आएगा वो, बोल रहा था मैं इधर कठपुड़िया जा रहा हूँ तभी ले लूँगा। बहुत गर्मी है यार, सुबह में ठंड लग रही थी स्वेटर पहन के गया था, लेकिन अभी रास्ता है चढ़ाई का, थकान होगी पसीने से भीग गया हूँ। मम्मी ने भी खाना बना के रखा है, अब हाथ हाथ धो के खाना खा लेते हैं यार, थोड़ी देर करता हूँ रेस्ट। आज मम्मी ने खाना बनाया था यार, मम्मी ना प्रेशर कुकर को ही नहीं खोल पा रही है, अभी आधे घंटे से ये लगी है, अंजलि भी नहीं खोल पा रही है, राहुल भी लगा था राहुल भी नहीं खोल पा रहा, देखते हैं मम्मी खोल पाती है कि नहीं। हाँ जोर लगा के खोद चाऊ की थी तो खुलने ला रहे आज यार अंजुल लग रहे आमले लग रहे
दिए हमने तो लग रही यार, खोली नहीं पाना है। ये चारों तरफ घूमे है ढक्कना। ये ढक्कन ये ना रे। ये कुछ बबो मेरी। यार दगड़ो ना, मैं मम्मी खानो नहीं बोलो, और मैं मम्मी वे देखो प्रेशर को घर ढाकले नहीं करनो। आज मम्मी पहली बार ही बढ़ रहा हूँ। देखो मैं तो हारने लगू नहीं यार, जैसे तेल ये कौन ना आती पता नहीं मम्मी ने इसमें कितना चावल डाल रखा है, अब मैं भी खा लेता हूँ। ऐसे बोलता है, चावल से भर रखा है यार ये, इसीलिए खोला नहीं। पता नहीं कितना चावल डाल दिया भात तो पकड़ो। मम्मी ने खाना डाल ही दिया है। आज यार मेरी मम्मी ने पहली बार ये चावल बनाई है। मम्मी ज़्यादातर खाना बनाती नहीं है, खाना मेरी बुआ ही बनाती है ज़्यादा। आज तो बुआ तो घर में थी नहीं, तो इस वजह से मम्मी को ही बनाना पड़ा। और दाल बना रखी है मम्मी ने, मिक्स दाल बना रखी है। दाल भी देखते हैं आज कितना टेस्टी मम्मी ने बना रखा है। मम्मी डाल रही है सबके लिए खाना। आज वही थी और आफत आ गई ने क्या आफत छड़ी मेरा मैं हल लू ना। अंजू गई थी सूत के लिए, लेके आ गई है सूत का कट्टा। एकदम गिरा दिया तूने तो। और ये देखो यार दोस्तों, ये बाथरूम में रख रही है, क्योंकि ये बाथरूम का हम इस्तेमाल करते नहीं है ना, हमारा ऊपर बना हुआ है तो उसी का इस्तेमाल करते हैं। पापा बोल रहे तो इसको भर दे। तो देखो अंजलि ने दो दिन कर दिए यहाँ पर इकट्ठे, कल भी लेके आए थे परसों भी ले आए, तीन कट्टा लेके आ गई यार आज का मिला के। पूरा कट्टा पलट देना। अरे बड़ू के कारण